गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अर्चना सांघेर। आई एम गोइंग टू लर्न बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। तो इस वीडियो के कई पार्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के। तो ये है पार्ट नंबर वन, और बौद्ध धर्म यानी कि इस पार्ट नंबर वन में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का परिचय। तो अगले वीडियो में हम, यानी कि अगले पार्ट टू में हम करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज देखते हैं गौतम बुद्ध का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है उनका जन्म, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व, 63 ईसा पूर्व वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। तो अभी इनका नाम गौतम बुद्ध यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो हम सबसे पहले उनका मूल नाम, जो कि सिद्धार्थ शाक्य क्षत्रिय कुल में रखा गया। तो सबसे पहले हम सिद्धार्थ से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ। और उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल का पुष्प या सांड, यानी कि कमल का फूल जो होता है लोटस, या फिर सांड, या फिर सांड। तो मृत्यु उनकी, अब देखते हैं लास्ट वर्ड देखते हैं मृत्यु। तो मृत्यु उनकी हुई 483 यानी कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की ही उम्र में। अवस्था यहाँ पर जो भी अवस्था लिखा है 80 वर्ष के बाद वो उम्र होगा, तो इसको मैं लिख देती हूँ। तो ये अवस्था को हम उम्र भी बोलते हैं। तो जन्म स्थान उनका है नेपाल के तराई में भी स्थित है, जो कि है लुम्बिनी गांव, कपिलवस्तु गणराज्य यानी कि कपिलवस्तु के निकट, यानी कि पास में जो लुम्बिनी वन है वहाँ इनका जन्म हुआ था। निर्वाण स्थल है उनका कुशीनारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अभी स्थित है। और इनका मूल नाम जो है वो है, इनका मूल नाम देखते हैं, मूल नाम अभी सिद्धार्थ है, हमने स्टार्ट किया था। तो सिद्धार्थ का शाक्य क्षत्रिय कुल में ही है सिद्धार्थ नाम रखा गया, यानी कि सब सिद्ध हो जाने वाला। तो पिता का नाम था उनका शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। कई बुक में शाक्य गण के प्रधान, शाक्य गण के राजा भी लिखा गया, और अभी हमने जो पढ़ा है वो है मुखिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं माता का नाम, यानी कि उनका जो माता का नाम था वो था जमाता या फिर महामाया। तो महामाया देवी उनका नाम था, और जमाता भी बोलते थे, जो कि कोलीय वंश थी, और उनकी पालन करने वाली माता, यानी कि उनकी जो पहली माता है महामाया, उनकी मृत्यु उनके जन्म के एक सप्ताह बाद, यानी कि 1 वीक आफ्टर ही हो गई थी। तो इसलिए उनकी पालन करने वाला माता अलग है, जो कि है महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की भी माता भी कहलाती है। और विवाह उनका 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 16 वर्ष में उनका जो विवाह है, शादी है, उनकी हो गई। और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि शाक्य वंशी थी। और उनके अन्य नाम थे, यानी कि अनदर नेम्स बिंबा गोपा या मदक्षना, मकच्छना भी लिखा है कई बार। तो पुत्र का नाम, यानी कि उनके जो बेटे थे उनका नाम था राहुल। गृह त्याग उन्होंने 29 यानी कि 29 ईयर्स ओल्ड की उम्र में कर दिया, जिसे गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो फिर आया ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या के बाद की, यानी कि एकदम लीन हो गए थे वो ध्यान करने में। और 6 वर्ष की तपस्या जब उन्होंने खत्म कर ली, तब 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, यानी कि बाद, उन्हें 35 वर्ष की उम्र में, 35 ईयर्स ओल्ड की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई, और निरंजना नदी के तट पर, यानी कि निरंजना नदी जो है उसके तट पर हुई। और उसके तट पर जो पीपल वृक्ष था उसके नीचे, निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे, ओके। और पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, बोध गया आप याद भी रख सकते हैं, बिकॉज बुद्ध का नाम जुड़ा है। तो बोध गया वो प्लेस है जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और ये वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम बुद्ध पड़ा, ओके। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखते हैं प्रतीक, और उनका ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़।
और देन है तपोस्थल। तपोस्थल अभी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे है, जिसे हम महाबोधि कहते हैं। तपोस्थल को ही महाबोधि कहते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा जो उनके 5 शिष्य थे, उन्हें जब उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया, फर्स्ट एडवाइस, वही हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। फर्स्ट एडवाइस को उनके और उनके 5 विद्यार्थी को उन्होंने सारनाथ में, सारनाथ यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए सारनाथ में उन्होंने जो प्रथम उपदेश की एडवाइस उपदेश प्रवचन दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो बौद्ध धर्म के क्या प्रतीक है देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उनके जो सारथी, घोड़ा, सुजाता, वो सब उनके नाम देखेंगे, अन्य नाम या फिर उनके क्या बोला जाता था। तो बुद्ध धर्म के प्रतीक देखते सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर जल, उनका जल प्रतीक हमने यहाँ भी पढ़ा है, जो कि है कमल का पुष्प या सांड। तो कमल का पुष्प एवं सांड। गृहित आगे क्या जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और प्रथम प्रवचन जो है उनका चक्र है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इसलिए, तो प्रथम प्रवचन का उनका जो प्रतीक है वो है चक्र। अब देखते हैं नाम, तो सारथी जो थे उनके, उनका नाम था चन्ना या चाण, और जो उनके घोड़े थे कंथक, घोड़ा था उसका नाम था कंथक। तो ये जो सारथी हैं उन्हीं ने इनको सैर पे लेके गए थे एक बार बुद्ध जी। तो सैर पे गए थे बुद्ध जी सारथी चन्ना के साथ। तो उन्होंने टहलते हुए देखा कि 4 चीज़ें उन्होंने देखी और उसी की वजह से उन्होंने गृहता किया या संन्यास ले लिया। तो वो 4 चीज़ें क्या है देखते हैं। तो वो 4 चीज़ें हैं, पहला तो है हमारा वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो बीमार सॉरी बूढ़ा व्यक्ति होता है वो। देन आया था हमारा बीमार यानी कि रोगी, बीमार व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। तीसरा देखा सन्यासी, और फिर लास्ट में जो है वो उन्होंने देखा मृत्यु, अर्थी देखी थी उन्होंने एक मृत इंसान के। तो ये 4 चीज़ें वो हैं जो उन्होंने देख करके संन्यास लिया। तो वृद्ध यानी कि ये बूढ़ा होना भी एक दिन हम हो जाएंगे ये सोचकर, और रिंकल्स उन्होंने देखे थे। ओके, तो सबसे पहले हम इन 4 चीज़ों को बस देख लेते हैं, देन हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम इसे। तो वृद्ध यानी कि वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़े व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसे हम भी एक दिन हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, बहुत ही दर्द होता है उसमें। तो रोगी व्यक्ति को देखा, वो बहुत ही पीड़ित था रोग से। और सन्यासी को देखा तो उन्होंने देखा कि सन्यासी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और बहुत ही आनंदमय था यानी कि बहुत ही खुश था। तो उन्होंने सोचा ये सन्यास लेके कैसे खुश हो गया करके। फिर चौथी उन्होंने देखी मृत्यु, तो एक दिन हमें भी मरना करके वो उन्होंने वो देखा। और देन उन्होंने गृहता किया यानी कि संन्यास ले लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, घोड़े का नाम था कंथक और सुजाता। सुजाता एक भोजन कराने वाली कृषक कन्या जी जिन्होंने बुद्ध का 6 वर्ष का उपवास तोड़ा था। उन्होंने देखा था कि सुजाता जो है उन्होंने देखा था कि बुद्ध जी नदी में पानी पीना है और वो गिर गए हैं, और उस समय 6 वर्ष बिना कुछ खाए पिए थे, तो बहुत ही हड्डी पसली उनकी दिख रही थी, और जैसे ही वो गिर गए उनकी एक हड्डी टूट गई। तो इसलिए सुजाता ने उन्हें सबसे पहले एक एक कटोरा भर के दूध पानी पिलाया, देन उन्होंने उसका बुद्ध जी का उपवास तोड़ दिया। कृषक कन्या थी तो उन्होंने बुद्ध का उपवास तोड़ा। तो ये था पार्ट 1 जो कि गौतम बुद्ध का परिचय है, और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।